तो ये है बैक साइड जहाँ से आप अंदर जा सकते हैं साइड एंट्री ऑफ मेन म्यूजियम। आपके सामने पूरा का पूरा ओरिजिनल। तो गाइस हम थे सुबह वृंदावन में और वृंदावन में दर्शन करने के बाद प्रेम मंदिर और बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद आना चाहते थे आगरा। तो हमें पहले आना पड़ा मथुरा जो कि वहां से लगभग 12 किलोमीटर था। 12 किलोमीटर हम ई रिक्शा में गए, उसके बाद बस स्टैंड पहुंचने के बाद बहुत सारा घूमा और लोकल टैक्स ढूंढ रहे थे तो हमको कहीं नहीं मिल रहा था। तो उसके बाद हम मथुरा बस स्टैंड से फिर चौड़ाई तक हमें वहां पे शेयर टैक्सी मिला। शेयर टैक्सी लगभग 60 रुपये पर सीट, हमने 4 सीट बुक किया था 240 रुपये पर। उसके बाद फिलहाल हमें आगरा में आगरा बीर रास्ते पे है ताजमहल जाने का रास्ते, लगभग 50 रुपये पर सवारी यहाँ से हमको पड़ा। तो पहले वृंदावन, वृंदावन से मथुरा, मथुरा से चौराई, चौराई से आया हम आगरा, आगरा से फिर ऑटो करके हम जा रहे फिलहाल ताजमहल। तो गाइस हम देख सकते हैं यहाँ पे आप बैग हमने रख दिया है एक लॉकर पे और यहाँ पे आपको सू कवर दिया जाएगा। तो ताजमहल जाने के लिए, अंदर जाने के लिए आपको टिकट काटना पड़ता है। तो इस टाइप का साइन बोर्ड जो है ना जगह जगह लगा हुआ है जो आप इंटरनेट से बुक करना पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हैं हमने हमारा नाम का टिकट जो है ऑनलाइन करना शुरू कर चुके हैं। ऑफलाइन में आपको टिकट मिलता है, यहाँ सब लोग आपको डिस्टर्ब करेंगे टिकट टिकट के लिए, मतलब आप जानते हैं ऑनलाइन करना तो वो सबसे ईजी रहेगा क्योंकि आप यहाँ से जंप टिकट कर सकते हैं जिसमें आपको लाइन बहुत कम देना पड़ेगा। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट आप दिखाएंगे, उसके बाद आपको जाना देगा। ये आप देख सकते हैं शायद ये वाला एंट्रेंस है, मुझे भी नहीं मालूम। तो हमने सिलेक्ट किया था म्यूजियम जो कि हमें देखने का बिल्कुल मन नहीं था और टाइम ही नहीं था। उसके बाद 700 रुपये दिखा रहा था तो हमने कैंसिल करके सिर्फ ताजमहल का किया। तो बहुत सारे चेकिंग के बाद फिलहाल हमें अंदर आने का मौका मिल रहा है। मतलब आपको क्या होता है, इतना ज़्यादा सिक्योरिटी है यहाँ पे, एक लाइन है सिर्फ चेक करने के लिए, एक लाइन एंट्रेंस, एक लाइन टिकट दिखाने के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़। ये बाहर निकलने का रास्ते में भी आपको टिकट शो करना पड़ेगा, मतलब क्या ही बोले, इतना ज़्यादा सिक्योरिटी। चलो तो आपको दिखाते हैं दुनिया के अजूबों में से एक ताजमहल। और ये ताजमहल का एंट्रेंस गेट, ये ताजमहल का पहला झलक। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा धूप है और गर्मी भी ठीक ठाक है, मतलब चलो ज़्यादा नखरे दिखाना नहीं चाहिए। घूमने आने में थोड़ा बहुत तो तकलीफ आपको सहना पड़ेगा। तो आपको दिखाने जा रहे हैं एंट्रेंस ऑफ ताजमहल, इसको कुछ कहते हैं, मेरा नाम भूल गया। ए एंट्रेंस का नाम क्या है, जान लिखा है क्या, हिस्टोरिकल नॉलेज रखेगा रे तू, क्या ट्रैवलर बनेगा रे तू, ये नाम भी भूल गया। चल जो भी है, नाम जान के क्या फ़ायदा, अरबिक में कुछ लिखा हुआ है, हम सब पढ़ना नहीं जानते अरबिक ऑब्वियसली। तो हम यहाँ से आपको दिखाने जा रहे हैं ताजमहल, जो कि इस गेट से थोड़ा बहुत दिखता है। वाओ, इतना ज्यादा हवा चल रहा है यहाँ पे। ये रहा दुनिया के अजूबों में से एक ताजमहल आपके सामने, पूरा का पूरा ओरिजिनल। इसको लेकर बहुत मतभेद है, कुछ लोग इसे प्रेम का प्रतीक, प्यार का प्रतीक मानते हैं, कुछ लोग इसे शासक, रूरल और कूरल, जो कि 20,000
मिस्त्रियों से बनाया गया था, उनका लाइफ इसमें लगा है 20 सालों से। उसके बाद जिस मिस्त्री ने इसे बनाया था उसका भी हार्ट काट दिया गया था ताकि और कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बना सके। हाथ तो काट देते तो इसे आप अपने मुताबिक मान सकते हैं, कोई से प्यार की निशानी, कोई से क्रूरल शासक की निशानी। ये एक तानाशाह क्या कर सकता है, क्या करवा सकता है अपने धन संपत्ति को लेकर। खूबसूरत तो बहुत है, लेकिन इसे बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत, काफ़ी ज़्यादा जिंदगियाँ कुर्बान हो चुका था। ताजमहल ताजमहल ताजमहल, इतने धूप में भी, संडे के दिन है इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ है। यहाँ से आपको जाने कितनी जिंदगियां कुर्बान हो गई इसको बनाने में। ताजमहल का ओपनिंग टाइम जो है सुबह 6 बजे से लेकर शाम की 6 बजे तक ये ओपन रहता है। धूप इतना ज्यादा है, क्या बताया आपको, हालत खराब हो चुकी है धूप में, आंखों में दर्द होने लग गया है अभी, फिर भी ताजमहल खूबसूरती से भरा हुआ दोनों तरफ दोनों महल। ये बैक साइड है, ठीक है, ये है बैक साइड। ये तो ऑनेस्ट रिव्यू दे दो, ठीक है, अच्छा है ताजमहल, बहुत ही अच्छा है, हम नहीं बोलेंगे कि खराब है, खूबसूरत भी है, लेकिन जो अजूबा बोलते हैं ना कि इंडिया में, वर्ल्ड में, मुझे लगता है कि इससे काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत मंदिर हमारे इंडिया में अवेलेबल है।